हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उमा चंद्रा ब्लॉग। चलिए, स्वागत है आप सभी का उमा चंद्रा ब्लॉग में। आज दिखाते हैं, चलिए, हम सोसाइटी में कैसे छठ का त्यौहार मनाया गया। छठ आपको पता है बहुत बड़ा महापर्व है और इसमें अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। बहुत बड़ा पर्व है बिहार का और सोसाइटी में कैसे मनाया गया देखिए। चलिए, हम लोग चलते हैं, घर से निकले हैं अभी। किसी ने इनवाइट किया था हमें छठ में आने के लिए। देखिए हमारी सोसाइटी, जिसको छठ में बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। देखिए पूरा अच्छे से सजाया गया है हमारी सोसाइटी। नीचे से हम लोग जा रहे हैं, चलिए, जहाँ प्रोग्राम हो रहा है सोसाइटी में कॉम्प्लेक्स में, और दिखाते हैं हम वहाँ तक का आपको। ये देखिए यहाँ से पोडियम का दिख रहा है आपको, रात में बहुत अच्छा लगेगा ये, और अच्छा लगेगा। और देखिए लोग आ रहे हैं अभी, वहाँ पे सब जमा ही हो रहे हैं सारे लोग। ये देखिए बच्चे आ रहे हैं सभी, हम लोग भी जा ही रहे हैं साथ में, निकल रहे हैं इधर से और चले हैं आप भी साथ में। पूरा देखें, देखिए सोसाइटी का व्यू नीचे से कैसा लग रहा है। ये सारे लोग वहीं जा रहे हैं, चलिए चलते हैं। और ये देखिए मेन गेट है, ये हम और निधि दोनों जाते हुए। देखिए मैं कह रही थी अब हम लोग एक दूसरे का लेंगे, मैंने कहा मेरा बनाओ। ये देखिए सामने से गेट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए अब आपको ले चलते हैं जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, हमारे साथ चलिए। आ जाइए, मैं कह रही थी आ जाओ मेरे साथ। और ये आ जाओ, मैं कह रही आ जाओ कैमरामैन। चलिए ले जाते हैं आपको। इन्होंने इन्वाइट किया था तो हम लोग आए थे, बोले आपको छठ में आना है और दिखाएंगे अंदर। देखिए कॉम्प्लेक्स में कैसे इन्होंने अर्घ देने के लिए तालाब सब बनाया है, मतलब पूरा पक्का ईंटों में वो करके बनाया। ये देखिए ये है एंट्रेंस, अब आप इंजॉय करिए यहाँ से। ये देखिए पूरा गेट अच्छे से सजाया गया है, नीचे कारपेट और बहुत अच्छे से बनाया है। हेलो, देखिए छठ के बारे में कुछ पंक्तियाँ इनसे सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं छठ क्या है। देखिए छठ एक बहुत बड़ा महापर्व है जो पूर्वांचल और बिहार के लोग मनाते हैं। इसमें किसी ने कुछ लिख के भेजा है, वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। एक ऐसा मैसेज है जो बहुत ही यहाँ पर प्रासंगिक लगता है। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ छठ के बारे में। ये छठ है, ये हठ है, ये मानवता की हठ है, तमाम पाखंडों से दूर प्रकृति से जुड़ने की हठ है, नदी में घुलने की हठ है, रवि के साथ जीने की हठ है, रवि का साथ देने की हठ है। कौन कहता है कि जो डूब गया सो छूट गया, कौन कहता है कि जो अस्त हो गया वो समाप्त हो गया। जैसे सूर्य अस्त होता है वैसे फिर उदय भी होता है। अगर एक सभ्यता समाप्त होती है तो दूसरी जन्म लेती है, अगर आत्मा अस्त होती है तो या तो फिर उदय भी होता है। जो मरता है वो फिर जन्म लेता है, जो डूबता है वो फिर उभरता है, जो अस्त होता है वो फिर उदयमान होता है, जो ढलता है वो फिर खिलता भी है। यही चक्र छठ है, यही प्राकृतिक सिद्धांत छठ का मूल है, यही भारतीय संस्कृति है। छठ इसी प्रकृति चक्र और जीवन चक्र को समझने का पर्व है। इस तरह से छठ इतना महत्वपूर्ण बन जाता है, जो अस्ताचलगामी सूर्य को भी नमन करता है और उदयाचल से निकलते हुए सात घोड़ों पर सवार सूर्य को भी उसी भावना के साथ नमन करता है। यही भारतीय संस्कृति का शाश्वतता का प्रतीक है। ये है छठ का महापर्व। जय हो छठ मैया की। ये जब करेंगे तब कर चुकी क्या? कर चुकी है। अच्छा लगा ऐसा, तुम भी जाओ नहीं सामने जाओ, इधर जाओ सामने।
हाईलाइट कर देते हैं। यूट्यूब पे जाएगा यार ये। आप भी करते हैं यूट्यूब? डी ई एफ है। हेलो फ्रेंड्स, देखिए अब ये पूजा समाप्त हो गई है, सूरज पूरा डूब चुका है। उतनी देर तक ये लोग इंतज़ार करते हैं डूबते हुए सूरज का, देर तक पानी में खड़े होके सूरज को अर्घ देने के बाद वहीं खड़े थे। अब देखिए समाप्त होने के बाद सभी जा रहे हैं, सब चल रहे हैं घर, हम भी चलेंगे अब। मैं थोड़ा वेट कर रही थी जिन्होंने बुलाया था मुझे उनके साथ जाने के लिए, बट वो मिल नहीं पाई। देखिए पूरी तरह अपना सब सामान लेके सभी लोग घर जा रहे हैं। ये एक एक करके जा रहे हैं, कुछ लोग अभी भी वहीं पे हैं। हम देखते हैं कितनी देर में जाएंगे, चलते हैं फिर हम लोग भी। छठ का समापन हो चुका है। ये देखिए मिली थी मुझे, हमारी सोसाइटी की हैं, इनकी मैंने पिक ले ली थी। सही बोल रही थी अब कब आएगा ब्लॉग, तो मैंने कहा आएगा आएगा। देखिए मिलते हैं हमारी सोसाइटी के, ये देखिए लेडीज सभी लोग जा रहे हैं अपने घर। चलिए चलते हैं, छठ पूजा समाप्त हुई। सुबह में उगते सूरज को भी दिया जाएगा अर्घ, उसमें हम आ पाएंगे या नहीं पता नहीं, बुलाया है बट उन्होंने मुझे उसमें भी बुलाया है। सोसाइटी हमारे टावर एफ टावर के ही मिल गए लोग, ये बोले कभी हमारा भी बना लिया करो। ये सारे आए हुए थे एफ टावर के हैं हम लोग।
बराबर के लेते हुए कुछ सब मिल गए हैं तो पेची ले लेते हैं। टावर के ही हैं, फोटो शूट चल रहा था, बाकी जगह जगह फोटो शूट दिखेगा तो जगह जगह अपना फोटो खिंचवा रहे हैं। तैयार होने के बाद लगता है लोगों चलते हैं घर। घर तक का मैं पूरा दिखाऊंगी, आप देखिएगा। ये देखिए सोसाइटी मेन गेट अंदर से थोड़ा सा पिक किया था, सोच रहे थे क्या फोटो बना रहे हैं। नहीं मैं अपना भी मास्क लगाया थी, पहचान नहीं आ रही, वहाँ मास्क उतार दिया, मास्क कोई नहीं पहने वाला था, ठंडी पहने थी उतार दिया। हमारी लाइटें नहीं चल रही आज, यार चलते हैं घर तक, कौन कौन मिलेगा ये देखिए। और मैंने कहा मैं घर से निकली थी और घर तक जाने तक का बनाऊंगी बाय कर रही थी, हेलो आए और चलते हैं। ये देखिए घर जाते हुए लोग सर पे रख के ही ले जाते हैं, ये भी चलन होता होगा। हेलो, चलिए देखिए आ गए हम अपने घर। रात में कभी सम्मेलन था, कभी सम्मेलन का तो ले नहीं पाए, बट एक पिक है आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आ गए हमारे टावर, ये देखिए कभी मिले थे उनके साथ, ये सेल्फी खिंचवाई थी इन्होंने उनका, देखिए। और कभी सम्मेलन का तो ले नहीं पाए हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।